हमीरपुर जिले से एक अहम खबर सामने आई है, जहां पर दरोगा ने किया महिला की पिटाई। शिकायत के बाद किया गया लाइन हाजिर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से है, जहां पर एक मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसे समाज का रक्षक कहा जाता है, जिसने एक ऐसा कारनामा किया है कि जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही महिला मिशन शक्ति की भी धज्जियाँ उड़ाई हैं। पूरा मामला कोतवाली राठ कस्बे का है, जहां एक महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि कोतवाली के एक कमरे में 3 दिन तक बंद रखकर मारने पीटने का एक दरोगा सहित कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां महिला के गुप्तांगों में भी चोट के निशान आने से उठने चलने और बैठने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि महिला के पति पर चोरी का मामला दर्ज है, जिसे पकड़ने गई कोतवाली पुलिस ने महिला को पकड़ लिया और 3 दिन बाद पुलिस ने गंभीर रूप से चोटिल महिला का शांति भंग में चालान किया गया। महिला के शरीर की चोट उसके साथ हुई बर्बरता कर रही बयां से आज कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना शुरू हो गया है। वहीं हमीरपुर पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने तत्काल प्रभाव से उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं मामले की जांच भी की जा रही है। नाम है आपका? क्या हुआ तुम्हारे साथ? घर में साहब गए थे। कौन साहब? देवी दीन साहब। मैडम जी गई थी। हाँ। घर में थोड़ा फोड़ी की। हाँ। हम मंडी से सब्जी लेकर गए थे, तो रिक्शे पे एक लाठी मारी पे घर में ले जाकर अंदर मारते रहे। हाँ। अब हम चलते नहीं बन रहा। अब वो लड़का कह रहा था कि तुम्हारे आदमी ने हमारे साथ में चोरी की। हाँ। हमें कुछ पता नहीं। चोरी के आरोप में पकड़ा है आपको? हमें ले आए उनकी बल्ली में, थाने में नहीं मारा मैडम लोगों की मारी। आपने चोरी करी? किसने मारा है थाने में? थाने में नहीं मारा, घर पे मारा था अंदर। अंदर किसने मारा था? साहब ने, देवी दीन साहब ने। तुम्हारे घर के अंदर मारा था? मैडम जी को बाहर खड़ा कर दिया था। बाहर तो तुम्हें मारा था जी। थाने में कितने दिन से बंद हो? 3 दिन से। 3 दिन से रात में बुखार था, तो एक साहब ने भेजा था यहाँ पर, तो एक इंजेक्शन लगाया था। अच्छा। कुछ संज्ञान मामला आया है सर? देखिए, अभी इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि थाना राठ क्षेत्र में बिलरख गांव में एक चोरी का वांछित नामजद अभियुक्त सीताराम पुत्र जन बहादुर के घर पुलिस दबिश देने गई थी, जिसमें महिला उपनिरीक्षक, महिला कांस्टेबल और पुरुष उपनिरीक्षक और पुरुष कांस्टेबल की टीम बनाई गई थी। उनके द्वारा दबिश देने के समय ही जो पुरुष जो वांछित अभियुक्त था वो मौके से फरार हो गया था, और उसकी महिला के द्वारा भी पुलिस टीम से अभद्रता की जा रही थी, जिस पर महिला उपनिरीक्षक और महिला कांस्टेबल के द्वारा उसको हिरासत में लिया गया और तत्पश्चात उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। लेकिन महिला के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो पुरुष उपनिरीक्षक थे उनके द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई है। इस मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से जो पुरुष उपनिरीक्षक हैं उनको लाइन हाजिर किया गया है और जांच सेटअप की गई है। जो भी जांच के परिणाम आएंगे उसके अनुरूप अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अपडेट मीडिया के लिए जिला संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट, हमीरपुर।